नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्या। पहली फुर्सत में निकल, ये डायलॉग तो हर हिंदुस्तानी जानता होगा और जानेगा भी क्यों नहीं, आखिर हिंदुस्तानी भाव ने जो बोला है। आज के टाइम में हिंदुस्तानी भाव को हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यही हिंदुस्तानी भाव एक टाइम पर वेटर का काम करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। हिंदुस्तानी भाव का असली नाम है जयराम फाटक, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें हिंदुस्तानी भाव के नाम से ही जानते हैं। आज सोशल मीडिया पर ये नाम काफी ज्यादा फेमस है। सोशल मीडिया पर ही उनकी फैन फॉलोइंग देखकर उन्हें टेलीविजन के सबसे मशहूर शो बिग बॉस 13 में जाने का मौका मिला। हालांकि वो ये शो जीत तो नहीं सके, लेकिन वो लोगों का दिल जीतकर ही बिग बॉस 13 के घर से बाहर आए। आज हिंदुस्तानी भाव लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने अपने जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष भी किया है। जब भाव बड़े हुए तो उन्होंने दक्ष पुलिस टाइम नाम के एक मराठी अखबार में नौकरी पकड़ ली। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने उन्हें 2011 में मुंबई में बेस्ट क्राइम रिपोर्टर, चीफ क्राइम रिपोर्टर का अवार्ड भी मिला। 2014 में उन्होंने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया और इसके बाद ही उन्होंने संजय दत्त की मिमिक्री करने के साथ पाकिस्तान की क्लास लगाना भी शुरू कर दिया। लेकिन हिंदुस्तानी भाव चर्चा में तब आए जब उन्होंने एंटी नेशनल लोगों के लिए गालियों वाला वीडियो बनाकर अपलोड किया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद वो पहली फुर्सत के नाम से सोशल मीडिया पर मशहूर हो गए। हिंदुस्तानी भाव की सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि मीम्स भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। वो मीम्स की दुनिया में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर हिंदुस्तानी भाव की अर्निंग की बात करें तो उनके यूट्यूब पर 5.40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो यूट्यूब से ही 40 से 50 लाख रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा भी उनकी कमाई के कई और तरीके भी हैं, जैसे उनकी नौकरी और टीवी एंडोर्समेंट। अभी के लिए हमारी इस खबर में इतना ही, और अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।